नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 56 में मौजूद हूं। साथ ही हमारे संजय शिवरे जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वार्ड 56 से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल करूंगा। संजय जी, नमस्कार जी। मोदी सरकार फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार बनी, सर सबसे पहले क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस जीत को? इस जीत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ देशवासियों के लिए, जो उन्होंने जैसे सब साथियों ने समय जनता ने जो विश्वास दिया, दिल्ली की खासतौर पर जनता ने जो विश्वास दिलाया है उस पर टूट विश्वास रहा है जी। दिल्ली ने पूरे 7 सीटें हमें मिली, बीजेपी मिली। मैं बहुत आभारी हूँ दिल्ली वासियों का कि 7 सीट हमारे जो उन्होंने पूरे दिल्ली की जो विधानसभा की जनता ने जो हमें हमारे भरोसा जताया हमारे पर। और जगह से देख लो, जैसे आसाम हो गया, आसाम ने हमारी जनता ने हमारा साथ दिया है। यूपी में हमारी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी गलत रही है, गलत रही है, थोड़ी किसी की मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। अगली बार जो आगे 6 महीने बाद विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें हम आपको कवरेज करके दिखाएंगे। मगर सर इस बार जो 400 नारा चल रहा था वो कहीं ना कहीं सर मनसूबे पर पानी फिर गया इस बार। सर 400 के 241 सीटों में जो आपसे मट के रह गए, 243 है जैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमारी मोदी सरकार आई और आएगी, अगर चलेगी गठबंधन में चलेगी, ऐसे कुछ नहीं है। और पूरे जोर शोर से रहेगा हमारे बीजेपी का राज, बीजेपी की चलेगा, ऐसा कि आप समझो कि टूट जाए। जो नीतीश जी है, नीतीश जी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे साथ ही है। चिराग पासवान जी है, पासवान जी हमारे साथ, वो तो जैसे हनुमान जी की तरह है, वो हनुमान जी सेना है, सेना जैसे हनुमान जी सेना हो गए, जैसे हमारे मोदी जी हनुमान जी हो गए, उनकी सेना होगी, बाकी उनमें चिराग पासवान जी भी है। तो ऐसे सब साथ में चलने वाले हैं। और जो हमारे साथ दिल्ली में सबके साथ है। इस बार दिल्ली में पूरी बहुमत साथ ही बीजेपी सरकार बनाएगी। 6 महीने बाद इलेक्शन है फरवरी में, आप देख लीजिएगा बीजेपी सरकार बनेगी। आपको मतलब लोकसभा के रुझान को देखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? दिल्ली में आपने देखा ही है 7 सीट आई है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग दिल्ली की जनता का सबको ऐसा मालूम है कि केजरीवाल ने क्या किया। अब पानी को ले लो, कहाँ पानी दे रहे हैं, वही हर बार पानी की समस्या आ जाती है हर गर्मियों में कि यहाँ पानी नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट से पानी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो? पानी का इस्तेमाल पूरा करो ना। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, एक पानी नाली में ऐसे बह रहा है जैसे कुछ का लिमिट नहीं, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं। बोला 6 महीने पानी बह रहा है, क्यों बह रहा है भाई? लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो नाली तोड़ रखा है। और दिल्ली में सर पानी कटौती हो रही है इस समय कटौती है, यहाँ भी है, शालीमार में भी पानी कम आ रहा है इस टाइम पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सब ठीक हुआ, दिल्ली सरकार ही उसकी कोशिश कर रही है। हो सकता कहाँ से क्या हो, इसका क्या कह सकते हैं इस बारे में। जी जी, अच्छा आपके जो चांदनी चौक लोकसभा यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल जी जीत के आए हैं, तो क्या आगे उनकी नीति है, किस तरह आगे काम करेंगे? जनता ने उन पर भरोसा जताया, उनको जिताया, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, खंडेलवाल जी सभी पीछे हम बधाई दे के आए हैं पूरा आश्वासन साथ। इन्होंने अभी जैसे बोला था पटरी में हम अपनी बेंच लगाएंगे, सबके सुनाएंगे। चांदनी चौक में ना अपनी बेंच लगाई, पटरी भी लगाई थी और पूरी सबका समाधान किया है, सबकी राय ली है और सबको बधाई दी है अपने जीतने की उन्होंने, कि उनको सबका जीत पूरी टीम को, चांदनी चौक की टीम को पूरा पद यात्रा की थी, सबको बधाई दी है, उनका आशीर्वाद लिया, जन संपर्क में आशीर्वाद लिया कि आपने हमें जिताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक की विधान लोकसभा की जो सीट है, जो जनता है वो खंडेलवाल जी के साथ है, सब पास है। और हम अपना वार्ड में पूरा काम कर रहे हैं, काम करेंगे, हाँ जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी रेखा जी ने अभी अभियान शुरू किया है, कल ही अभियान था, ओके जनसंपर्क अभियान, अभियान तीन ब्लॉकों में जनसंपर्क अभियान किया। वहाँ के जो भी ब्लॉक के सारे RW के प्रधान और जो सारे जो मेंबर्स हैं, जो जनता है, उनसे सबकी राय ली, उनके बीच में बैठी हैं। ओके ओके। सुबह 8:30 से 10:30 धूप में, खिलखिलाती धूप में जी। मैं भी था साथ में, सब बैठे हैं जी। हमारी राय कि जनता के कोई प्रॉब्लम ना हो जी, उसका किस तरह समाधान किया जाए। और आपका क्या प्रॉब्लम हमारे पास लाइए, हम उसका समाधान करेंगे। ओके ओके। जो हमारे पास हो सकता है वो हम करेंगे जी। जो दिल्ली सरकार के पास, आप देख रहे हो दिल्ली सरकार का बस। अच्छा संजय जी, आप एक भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप वार्ड के मंत्री हैं,
तो जनता के बीच में आपकी किस तरह की उपस्थिति है, क्या सेवा दे रहे हैं आप? जी, मेरे पास कोई भी आता है उसकी सेवा के लिए मैं उसकी सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। कभी भी कोई भी बंदा आ जाए, जैसे अभी पीछे अभी हाँ सॉरी अभी हमारे यहाँ भी केस ये MTNL का पुराना काम चल रहा है। अच्छा, MTNL का जी। तो इनमें फाइबर सीट लगा रहे हैं, फाइबर लगा रहे हैं आजकल। ओके, तो टेलीफोन ख़त्म कर रहे हैं, लाइन ख़त्म। ठीक है, टेलीफोन आप बहुत बढ़िया। आजकल तो आंधी तूफान आता है, इसमें लाइन सारी डिस्टर्ब होती है आपको ये। मगर जो उसके ठेकेदार है, आज ठेकेदार पूरा उसमें घूस ले रहा है। अच्छा, घूस ले रहा है। एक हफ्ता मेरा फ़ोन बंद था, आज ही ऑन हुआ है जी। ऑन ऑन होने के बाद बोलते मैं 1000 रुपये दो, आपके फाइबर से फाइबर लगाया। अच्छा, फाइबर लगवाया। हाँ, जब ये तो सरकार ने बोल रखा भाई कहीं से लेना, ये ठेकेदार क्यों कर रहा है जी। हमने कंप्लेंट की, आगे लोगों ने कंप्लेंट की, आज मेरा फोन ना भाई साहब माफी चाहता हूँ, आप ये कंप्लेंट वापस ले लो। मैं क्यों वापस ले लूँ भाई? अच्छा, आपने हमसे झूठ बोले, क्यों नहीं पैसे लिया हमें? मैं चलो मेरी मानती है, लोग मेरे जानते हैं, इसलिए आप मेरे से बोल रहे हो, आम जनता से भी आप लोग। बिल्कुल, तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं मतलब? हाँ जी, ये शिकायत आई है मेरे पास इस तरह की। तो आपने इस पे क्या संज्ञान लिया सर? इसे संज्ञान लिया मैंने कहा उसको जो इसका ठेकेदार को मैंने रिमांड लिया उसका। अब कोई भी ऐसा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली की जनता से जी, आप MTNL का फाइबर से लगवा रहे हो, फाइबर से उसको कोई भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे लगवाइए और MTNL के साथ पूरी सेवा लीजिए आप। ओके, अच्छा, वार्ड के निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी के काम को लेकर बात करेंगे सर, क्या क्या अब तक काम जी उनका जो काम है, मैं कहता हूँ अब विश्वसनीय काम है उनका जो काम होता है, पूरे शालीमार को चमकाया उन्होंने। हर वार्ड के पार्क देख लो आप, पार्कों में जिम लगे हैं, लगा दिए पोल, उन्होंने सारे बिजली के खंभे लगाए हर पार्क में। अभी हमारे पीछे पार्क इतना बेकार पार्क हो रखा था, चूहे वगैरह थे, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे पार्क क्या बनाया उन्होंने। उनका सौंदर्यकरण किया अब हर ब्लॉक का, मैं अपने ब्लॉक को नहीं बोल रहा हूँ, हर ब्लॉक का उन्होंने सौंदर्यकरण किया, नाली साफ कराना। कोई भी व्हाट्सएप है हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप चलता है साइबर शालीमार बाग किंग, उसमें कोई मैसेज डालता है उसका काम फ़ौरन हो जाता है जी, तुरंत समाधान उसका पूरा होता है। हम शालीमार बाग की जनता, मैं कहता हूँ इस बार MLA की टिकट हमारे रेखा जी को मिलेगी और वही हो सकता है CM की दावेदारी वही हो। अच्छा, रेखा जी सर? हाँ जी। तो आपने पहले से घोषित कर दिया रेखा जी? हमने घोषित कर दिया जी। ओके, और क्या अपील देना चाहेंगे संजय जी अपनी जनता में? जनता में यही देना चाहूँगा कि 6 महीने के बाद आपके इलेक्शन है, आप बस हमारे पर जैसे विश्वास बार बनाया है वैसे बनाए रखिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात संजय शिवहरे जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।